हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम शर्मा आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज का 12वां पार्ट लेके आया हूं। दोस्तों, इस 12वें भाग में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया। दोस्तों, ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे आपको फायदा मिले दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज हम ये आपका पार्ट 12 लेते हैं और इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर क्या है, पहला क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है बबल मेमोरी, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम और डी कोर मेमोरीज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सीडी रोम। क्या दोस्तों? सीडी रोम सही उत्तर है दोस्तों, इसका सी। कौन सा है? सी। सीडी रोम जो होती है वो दोस्तों इसकी ऑप्टिकल मेमोरी होती है दोस्तों। क्या होती है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है दोस्तों, क्योंकि अपने पास में जो इसको सीडी रोम को जो राइट करने की जो डिवाइस आती है वो भी ऑप्टिकल डिवाइस होती है दोस्तों। तो ये होती है सीडी रोम जो है ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है ना। ओके, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपने को भौतिक बनावट मीन्स अपने कोई भी चीज जो भौतिक होती है, मतलब हम उसको हाथ में लेके देखते हैं, चेक करते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक बनावट दोस्तों, ठीक है ना। और एक होती है अपने की, जैसे एक तो होती है सॉफ्टवेयर मीन्स जो अपने उसमें कंप्यूटर के अंदर जो चलते हैं सॉफ्टवेयर, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर मीन्स जो डिवाइस होती है ना, उनको बोलते हैं हार्डवेयर। तो यानी कि भौतिक बनावट जो होती है, जो हार्डवेयर की होती है, भौतिक बनावट होती है दोस्तों, तो उनको हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर। यानी कि भौतिक बनावट की जो चीज होती है उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्डवेयर। उसका सही उत्तर है दोस्तों हार्डवेयर। ऑप्शन दिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंपाइलर और में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों हार्डवेयर, ठीक है ना। यानी कि जो भौतिक बनावट की आइटम होती है उनको हार्डवेयर बोलते हैं, और जो भौतिक बनावट की नहीं होती है, जो यानी कि एक एप्लीकेशन होती है, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या कहते हैं? दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल्स डिस्प्ले होते हैं उनकी संख्या को हम लोग कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए रेजोल्यूशन, बी कलर डेप्थ, सी रिफ्रेश रॉप और डी मॉनिटर। तो दोस्तों, इसको सही उत्तर है इसका ए रेजोल्यूशन। आपने देखते हैं ना कितने रेजोल्यूशन की स्क्रीन है ना। तो जितने ज्यादा रेजोल्यूशन होंगे उतना, जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा उसके अच्छे रेजोल्यूशन मिलेंगे दोस्तों, अच्छी मतलब स्क्रीन क्वालिटी अच्छी होगी दोस्तों, रेजोल्यूशन अच्छे होंगे इसके, ठीक है ना। तो इसको हम ए पिक्सल्स की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है अपने पास में ए 1950, बी 1946, सी 1964, डी 1975। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी 1964। बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास हुआ था सब 1964 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। ओके, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है। दोस्तों, दो नेटवर्क अपन देखते होंगे कि जो दो नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने वाला, यानी कि दो नेटवर्क हो या दो देश हो, उन सबको ही हम लोग बोलते हैं क्या? ए ऑप्शन होता है लिंक, बी सर्वर, सी गेटवे और डी ब्रिजवे। तो दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग गेटवे। क्या बोलते हैं? गेटवे। यानी कि दो नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं हम गेटवे। ऐसे जैसे होते हैं ना अपन गेटवे ऑफ इंडिया है ऐसे, यानी कि वहां पर जो कोई भी चीज का जो बॉर्डर होता है वहां पर दो नेटवर्कों को जब जोड़ता है तो उसको गेटवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे, ठीक है ना। ओके, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे पहले जो समाचार उपलब्ध हुआ था उसमें ऑप्शन दिए अपने को द हिंदू, बी नवभारत टाइम्स, सी हिंदुस्तान टाइम्स और डी अमर उजाला। तो दोस्तों, हिंदू एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? हिंदू। कौन सा? ये हिंदू जो था ये ई मैगजीन मतलब ई समाचार पत्र के रूप में सबसे पहला द हिंदू चालू हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। ओके, कंप्यूटर में उपयोग की गई आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जो आईसी चिप होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है? तो उसमें ऑप्शन दिए हैं क्रोमियम ए, बी आयरन ऑक्साइड, सी सिलिकॉन, डी सिल्वर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन की बनी हुई होती है आईसी चिप दोस्तों, ठीक है ना। ओके, किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए एस रोम, बी डी रोम
और सी रोम और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आठ में जो सही उत्तर है वो है दोस्तों डी रैम। क्या है? डी रैम, यानी कि डी रैम जो होती है उसको हम लोगों को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है दोस्तों कंप्यूटर में, ठीक है ना। भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? इसमें ऑप्शन दिए हैं दोस्तों दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी बेंगलुरु। दोस्तों इसमें सही उत्तर है सी कोलकाता। कहां पर? कोलकाता। भारत में पहला जो कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहां किया गया था? कोलकाता में दोस्तों, ठीक है ना। ओके, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? ऑप्शन ए 1977, बी 1995, सी 1960 और डी 1950। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति सन 1960 में आई थी दोस्तों। कब आई थी? सन 1960 में आई थी, ठीक है ना। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो दोस्तों इसमें हमको ऑप्शन दिए हुए हैं सीडेक, बी आईआईटी कानपुर, सी बार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो संस्था ने किया था उसका नाम है दोस्तों सीडेक। ये सीडेक दोस्तों एक बहुत बड़ी संस्था है अपने कंप्यूटर की, ये अपने को कोर्स भी करवाती है ना, यानी पढ़ाई भी करवाती है। तो इसी ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था दोस्तों, ठीक है ना। ओके, निम्न में से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट यानी कि हम लोग जो भी कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं और वो हमारे मॉनिटर के ऊपर दिखता है दोस्तों, ठीक है ना। ये हुआ इनपुट का आउटपुट, यानी कि हमने कंप्यूटर में कुछ भी कोई भी डेटा फीड किया और वो हमको मॉनिटर के ऊपर दिखता है या प्रिंटर के द्वारा प्रिंट हो जाता है, उसको हम लोग आउट यानी जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट हो गया उसको आउटपुट बोला, या मॉनिटर के ऊपर जो हमको डिस्प्ले हुआ उसको भी हम आउटपुट बोलते हैं दोस्तों। तो ये हुआ इनपुट को आउटपुट में कौन चेंज करता है। तो उसको आपको पता होगा कि कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ा जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा सीपीयू, ठीक है ना, प्रोसेसर। यानी कि इसमें ऑप्शन दिए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू और डी मॉनिटर। तो दोस्तों सही उत्तर इसका है सीपीयू, ये आप सभी जानते होंगे लगभग, है ना, सीपीयू उसका सही उत्तर है, ठीक है ना। ओके, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है अपने चेक करेंगे। इसमें ऑप्शन दिए हैं अपने को ए अंग्रेजी, बी स्पेनिश, सी लैटिन और डी फ्रेंच। तो दोस्तों कंप्यूटर शब्द जो लिया गया है वो लिया गया दोस्तों लैटिन भाषा से। किससे लिया है? लैटिन भाषा। ज्यादातर आप देखते हो विदेशी जो भी ज्यादातर जो शब्द होते हैं दोस्तों वो लैटिन भाषा से लिए जाते हैं मोस्टली, अक्सर आपने देखे होंगे आपने, तो लैटिन भाषा से ज्यादातर शब्दों का चयन किया जाता है। तो ये भी कंप्यूटर शब्द जो है ये भी लैटिन भाषा से लिया गया दोस्तों, ठीक है ना। ओके, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन दिए दोस्तों सन 1955 में, बी 1980 में, सी 1995 में और डी 2001 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अपने को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1995 में। दोस्तों कब हुई थी? सन 1995 में इंटरनेट की शुरुआत। अब देखो आप सोचो भारत में 1995 में हुई थी जबकि विदेशों में इसकी बहुत पहले शुरुआत हो चुकी थी, समझ गए ना। तो अपन कितने पीछे हैं इसमें। तो सन 1995 में अपने इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। ओके, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पर किया गया था? परम का निर्माण कहां किया दोस्तों? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी है चेन्नई, सी श्रीहरिकोटा और डी पुणे। तो दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो था वो किसने किया था? सीडेक ने किया था। और ये कहाँ किया था? ये दोस्तों इनका सीडेक का जो ऑफिस है वहां पर पुणे में, वहां किया था दोस्तों। कहाँ है? पुणे में। तो इसका सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ था दोस्तों? पुणे में हुआ था। किसने किया था? सीडेक ने किया था दोस्तों, ठीक है ना। ओके, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो दोस्तों शुरू हुए थे चतुर्थ पीढ़ी से। कहां से? कब से? अभी चतुर्थ पीढ़ी से। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर शुरू हुए थे दोस्तों, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो किसमें होते हैं? फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ओके,
निम्न में से सिम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों सिम का पूरा नाम, ठीक है ना, सिम, एस आई एम सिम, समझ गए हो ना, एस आई एम सिम होता है ये, एस आई एम, ठीक है ना। तो ये सिम का पूरा नाम क्या हुआ? तो देखो इसमें दोस्तों एस से अपने ऑप्शन दिए, इसमें सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, बी है सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सी है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल और डी है सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों सिम, एस से हुआ सब्सक्राइबर, ठीक है, आइडेंटिटी आई से हो गया, और एम से दोस्तों हुआ मॉड्यूल, क्या हुआ मॉड्यूल, यानी कि सी उत्तर का सही है, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है ना, कौन सा आंसर सही है, सी उत्तर सही है दोस्तों, ठीक है ना, ओके। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अब आप समझोगे कंप्यूटर कितने कितने प्रकार के हुए, दोस्तों कंप्यूटरों के भी प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कंप्यूटर को ए ऑप्शन में दिया दो प्रकार, बी ऑप्शन में दिया तीन प्रकार, सी में चार प्रकार और डी में पांच प्रकार। दोस्तों कंप्यूटर के प्रकार होते हैं कितने? तीन प्रकार। कितने होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? किसका किया दोस्तों? पंच कार्ड का। ये दोस्तों बहुत पहले चलते थे पंच कार्ड, अब तो आजकल बंद हो गए, ज्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन पहले पंच कार्ड चलते थे। तो इसमें ये किसने आविष्कार किया था? इसके ऑप्शन दिए हैं हरमन हॉलेरिथ, बी केविन, सी जोसेफ मेरिक और डी चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों निम्नलिखित में से पंच कार्ड का आविष्कार किया था किसने किया था? ए हरमन हॉलेरिथ। किसने किया था? हरमन हॉलेरिथ, ठीक है दोस्तों, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को जानती है? ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को जानती है? इसमें ऑप्शन दिए हैं अपने को ए इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है दोस्तों? इनपुट डिवाइस जैसे अपना माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, है ना, स्कैनर हुआ, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हो गई। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस दोस्तों जैसे कि आप जानते हो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस हुई जैसे कि मॉनिटर हुआ। अब देखो आपको इसमें देख लेना है कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी हैं। इनपुट डिवाइस में तो हो गई अपनी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइस में क्या हुई दोस्तों? आउटपुट डिवाइस में हुई अपनी मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है दोस्तों, और प्लॉटर। ये सब क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस हैं। अब तो इसका सी है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो माइक्रो प्रोसेसर ही है इसका। इसमें डी है मेमोरी। अब मेमोरी में तो दोस्तों बहुत सी आती है, मेमोरी में तो हार्ड डिस्क भी आती है, हार्ड डिस्क भी आती है, एसएसडी भी आती है, पेन ड्राइव भी आती है, सीडी रोम भी आती है, ठीक है ना। लेकिन ये सब क्या करती हैं? ये कोई ऐसा काम नहीं करती हैं, बीच के अंतर को पहचान नहीं पाती हैं। ये क्या है? ये नॉर्मल डिवाइसेस हैं जो इन चीजों को नहीं जानती हैं। जानती कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वही हमारे कंप्यूटर का एक मेन हार्ट होता है, यानी कि मेन ब्रेन होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो ये सब चीजों को समझ पाता है, कौन सी डिवाइस का कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा डेटा है, इन सब चीजों को वो जानता है। वही हमारे जो डेटा होता है और डेटा के इनपुट को आउटपुट में चेंज करता है दोस्तों। तो क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर, उसको सीपीयू बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोल दो। तो ये सारा काम जो करता है माइक्रो प्रोसेसर करता है दोस्तों। सही उत्तर क्या है दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को जानती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो डिवाइस मतलब प्रोग्राम और डेटा के बीच के अंतर को जानती है दोस्तों। सही है ना। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आप आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ में इसको शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। तो ठीक है, बने रहो दोस्तों हमारे साथ में, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ओके।